हैं नाव के ऊपर, बड़े इत्मीनान से यहाँ पर बैठ के। इस समय देखेंगे तो इस वाली जगह में बिल्कुल पानी भर चुका है और मछलियाँ तैर गए हैं, जिससे पानी जो है झील पूरी ना भर पाए। और इस तरह से देखिए कैसे रुकी हुई है, बिल्कुल स्टिल है। देखिए ना आगे को जा रही है ना पीछे को जा रही है, पहले से है। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर लग रहा है नैनीताल। तो ये देखिए इस तरह का लग रहा है। बहुत क्रीम रोल है सर, क्रीम रोल है भाई साहब के पास सर। ये देखिए क्रीम रोल बहुत हुए आए हैं ना, कोई अनजाना चेहरा नहीं है, कोई अनजाना चेहरा नहीं है। और बहुत हेलो दोस्तों, आज है 8 अगस्त और दिन है मंगलवार का। तो दोस्तों मैं हूँ आज नैनीताल के तलीताल वाले एरिया में। तलीताल डांट ये एक जगह कहलाती है और मैं झील का आज को जल स्तर दिखाने के लिए आपको तलीताल वाली तरफ लेकर आया हूँ। उसके बाद हम लोग मॉल रोड चलेंगे और फिर मल्लीताल चलेंगे। तो मैं बैक कैमरे में सीधे आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना पानी नैनी झील में भर चुका है और कितना भरना रह गया है अभी। देखिए दोस्तों मैं हूँ मॉल रोड में तलीताल वाली तरफ में। तो इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सड़क के किनारे भी कोहरा और बहुत सारी नाव जो है झील के किनारे है। एक मुझे दृश्य बड़ा प्यारा सा लग रहा है। देखिए नाव वाले जो है नाव के ऊपर बड़े इत्मीनान से यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत सा ये दृश्य है। वाकई में कैद करने लायक है। देखिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं किसी को इस तरह से आराम करते हुए देख रहा हूँ नाव में। तो देखिए मल्लीताल वाली तरफ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, और तलीताल वाली तरफ में आप देखेंगे तो अभी जो है मैं भी उस तरफ भी लेके चलूंगा जहाँ पर ये नापा जाता है कितना झील का पानी रह गया है। तो देखिए अभी 2 सीढ़ी अभी रह गया है। कल जो है जबरदस्त वाली बारिश हुई है, आज सुबह भी जबरदस्त वाली बारिश हुई है। मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों जैसे कि ये है सीढ़ियाँ, ये कुछ भरनी रह गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर फोटो वगैरह खिंचाते थे, लेकिन इस समय देखेंगे तो इस वाली जगह में बिल्कुल पानी भर चुका है और मछलियाँ तैर रही हैं। देखिए इस जगह पर जहाँ पर लोग फोटो खिंचाते थे, यहाँ पर लोग खड़े होके, तो वहाँ पर जो है मछलियाँ तैर रही हैं। बहुत खूबसूरत सा व्यू है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरफ जहाँ पर नापा जाता है कितना पानी रह गया है। तो देखिए दोस्तों मैं ये पहुँच गया हूँ इस जगह पे। इसे ये कहलाती है डांट, गांधी जी की मूर्ति है, बैक साइड में मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए इस तरफ से ये गेट जो है, इन गेट से के द्वारा देखिए यहाँ पर गेट खोले गए हैं जिससे पानी जो है झील पूरी ना भर पाए। और इस तरह से देखिए यहाँ पर ये लगे हुए हैं, इससे मछली, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मछलियाँ बाहर तो नहीं निकल जाती, तो मछलियाँ बाहर नहीं निकलती है दोस्तों। देखिए ये जालियाँ लगी हुई हैं, इससे मछलियाँ देखिए आप दिख भी रही हैं मछलियाँ, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मछलियाँ यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं। तो मछलियाँ जो है अंदर ही रहती हैं झील की, तो मछलियाँ जो है बहके बाहर की तरफ नहीं जाती हैं गेट खुलने पर भी। और मैं दिखाने वाला था जो आपको जल स्तर कितना है। तो देखिए ये 12 फीट में दोस्तों, वैसे इसे अमूमन खोला जाता है, लेकिन जो बारिश की स्पीड जो बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से 11 फीट में ही खोल दिया जा रहा है। तो अभी 11 फीट यहाँ पर पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं देखिए इस तरह से। और बहुत सारे लोगों की आज आशंका दूर हो गई होगी कि मछलियाँ जो हैं बहती हैं या नहीं बहती हैं, तो वो लोग इस तरह से देख रहे होंगे। चलिए तलीताल डांट वाली तरफ आपको लेके चलूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो है, ये है तलीताल डांट, ये वाला एरिया तलीताल डांट कहलाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाजार को जाने वाला, तलीताल बाजार को जाने वाला रास्ता है, और उसके बिल्कुल नीचे वाला जो है हल्द्वानी रोड कहलाती है, और इस तरफ भवाली की तरफ वाली रोड कहलाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा व्यू आपको अभी दिखाता हूँ, उससे पहले ये दिखा दूँ। तो ये सेंट जॉन्स, ये बिशप सॉ स्कूल है देखिए, तो बहुत ही सुंदर ये स्कूल है, और इसके चर्च भी है इसमें, और इसमें यहाँ पर ये काम चल रहा है और यहाँ पर कुछ तैयार हो रहा है। लेकिन एक खूबसूरत सा दृश्य जो मैं आप लोगों को दिखाने जाता था, ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर सा दृश्य लग रहा है। यहाँ पर लोग जो है आराम करते हैं, झील को निहारते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये यहाँ पर लग रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे मॉल रोड वाली तरफ और वहाँ पर देखते हैं कैसा हो रहा है। मॉल रोड में जाने से पहले एक दृश्य दिखा दो। देखिए नाव वाले बिल्कुल स्टिल, यहाँ पर नाव रुकी हुई है। मुझे पता नहीं, यकीन नहीं हो रहा है कि बिल्कुल, जबकि पानी इतना गहरा है उसके बावजूद यहाँ पर कि नाव इस तरह से कैसे रुकी हुई है, बिल्कुल स्टिल है। देखिए ना आगे को जा रही है ना पीछे को जा रही है, पहली बार में कमाल देख रहा हूँ, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ मॉल रोड में लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने, और इस तरफ आप लोग देखेंगे कि मॉल रोड में थोड़े बहुत जो है भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। आज गाड़ियाँ काफ़ी वैसे दिखाई दे रही हैं, मुझे लग रहा है स्कूल शायद खुले हैं छुट्टियों के बाद, ऐसा कुछ शायद ज़रूर होगा। तो मैं ये बड़ी खूबसूरत जगह दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। देखिए यहाँ पर जो है बड़ी सुंदर सी ये जगह है, सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं, एक ये है और एक ये है। पहले इनमें फूल लगे हुए थे, लेकिन लोग जो है फूल उतार के ले गए, तो ये तो खैर इस पर क्या ही कह सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए बेंचेस लगी हुई हैं, और ये बहुत सुंदर सी कलाकृतियाँ भी यहाँ पर हैं। तो आप लोग जो है इस जगह पे बैठ सकते हैं, झील को निहार सकते हैं। और एक बड़ा ही खूबसूरत सा दृश्य मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो नाव जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ऊपर कोहरा भी दिखाई दे रहा है। और इस तरफ हम देखेंगे तो बतखों का देखिए झुंड झील के बीचों बीच नीले पानी में, यहाँ पर नीला सा पानी दिखाई दे रहा है। देखिए नीले पानी में बतखों का झुंड जो है बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जरूर जाएगा अभी नाव के पास और खाने की कुछ मांग करेगा नाव वालों से। देखिए अभी देखते हैं, चलिए हम लोग, इस तरह का कुछ होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए नाव
यहाँ पर आ रही है और बतकें जो है जरूर नाव वालों के पास जाएंगे। ये तो ये नाव आ गई है और हम लोग देखते हैं। ये देखिए बतकें जो हैं इस तरफ आ रही हैं, तो इनके पास कुछ खाना होगा तो ये ज़रूर देंगे, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए बहुत खूबसूरत सा ये दृश्य है, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर लग रहा है। नैनीताल वाकई में बड़ा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों इस मौसम में, और ये मौसम जो है वाकई में नैनीताल आने के लिए बहुत बढ़िया मौसम कहा जा सकता है, क्योंकि सब कुछ मैंने जैसा कि आपको बताया भी है सब कुछ बहुत सस्ता है और व्यू भी बड़े सुंदर हैं। हर तरफ हरियाली है, बारिश जो है लगातार नहीं हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, ऐसी लगातार वाली बारिश नहीं हो रही है। तो ये दृश्य देखना, देखिए बतकों को एक साथ लाइन में जाते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है, और ये लोग भी देखिए कितने करीब से बतकों को यहाँ पर निहार रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है, और चलिए जूम आउट करता हूँ और इस तरफ दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मछलियों का झुंड। तो नैनीताल वाकई में आजकल बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, देखिए तो विदेश की किसी भी खूबसूरत जगह से ये कम नहीं लग रहा है, बहुत ही सुंदर ये दृश्य लग रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं मॉल रोड में आगे की तरफ। तो दोस्तों देखिए दोपहर का 12:10 हुआ है, मैं आ गया हूँ नैनीताल एक्सप्रेस स्टैंड में। हल्की हल्की सी धूप भी आने लगी है, तो नैनीताल का मौसम कुछ इस तरह का है कि कभी भी बारिश हो जा रही है और कभी भी धूप आ जा रही है। क्योंकि आपको बताऊं तो कल जो है बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश पड़ी है, कल दोपहर में भी और कल शाम को भी, कल रात को भी, और आज सुबह तक जो थी बारिश थी। अभी मौसम बढ़िया हो रहा है और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, टूरिस्ट भी हैं, लोकल भी हैं घूमते हुए। तो चलिए चलते हैं पंत पार्क की तरफ। तो देखिए दोस्तों मैं आ गया पंत पार्क वाली तरफ। तो यहाँ पर जो है दुकानें जो लगती हैं दोस्तों, उनका समय है शाम को 4 बजे के बाद। तो 4 बजे के बाद से जो है दुकानें लगती हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल यहाँ पर खाली खाली खुला सा लग रहा है, तो घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन लोगों को खरीदारी करनी होती है ये खुले हुए सामान की, तो वो लोग जो है यहाँ पर शाम को 4 बजे के बाद से आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म का सामान मिलता है। तो चलिए दोस्तों मैं अपने एक आपको फेवरेट जगह लेके चलूँ, हालांकि इसकी हालत बड़ी ख़राब है। देखिए यहाँ पर ये पता नहीं कब से रखी हुई है और कोई इसे हटाने वाला नहीं है, तो इसके बारे में भी क्या कहा जाए कोई सुनने वाला नहीं है। तो चलिए मैं इस तरफ से दिखाता हूँ। देखिए ये है बोर्ड स्टैंड, और यहाँ पर आज थोड़ी सी रौनक है और दिनों के मुकाबले, तो अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर। हालांकि उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहें इस मौसम के हिसाब से टूरिस्ट काफ़ी हैं। और यहाँ पर जो है घूमने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बड़ी बढ़िया सी इस समय मौसम है, आपको जरूर आना चाहिए। मैं झील के थोड़ा सा किनारे की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे मछलियाँ जो दिखाई हैं बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों झील के किनारे ले आया, और मैं जैसे कि बता रहा था आपको इस तरफ देखिए बिल्कुल हज़ारों मछलियाँ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं एक साथ में, और बिल्कुल पानी का रंग देखिए कितना ज़्यादा साफ हुआ है, कितना ट्रांसपेरेंट है पानी, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह का लग रहा है, बहुत सारी यहाँ पर मछलियाँ हैं, हजारों मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए पंत पार्क में वापस चलते हैं। पंत पार्क में वापस आ गया, और इस तरफ आपको दिखाता हूँ खेल का मैदान। तो यहाँ पर तो काम चल रहा है अभी, और ये पता नहीं कब सही खत्म होगा। तो पानी जो है दोस्तों देखिए निकासी इन्होंने बंद कर दी, तो पानी यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से जो इस तरफ जो एक तरफ से बाढ़ जैसी आ जाती है, तो ये इसको पता नहीं क्यों नहीं सही कर पा रहे हैं। तो देखिए सामने नगरपालिका की खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और बढ़िया सी लाइट उसमें पड़ रही है। ये है सामने DSA का ऑफिस, और ये है सामने जामा मस्जिद, और पीछे आप देखेंगे बैकग्राउंड में तो कितने सुंदर बादल और कोहरा, कितना बढ़िया सा लग रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर नैनीताल आज लग रहा है, बिल्कुल चमक रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, मौसम फिर से एक बार बदल चुका है। अरे भाई साहब पता नहीं यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। तो एक बार फिर से मौसम बदल गया है, वो भाई साहब को जो है मिर्गी का दौरा पड़ा था। तो देखिए इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है कैपिटल सिनेमा, फिल्म लगी है रॉकी एंड रानी। तो यहाँ ये भी बड़ी खूबसूरत सी जगह है दोस्तों, यहाँ पर स्केटिंग हॉल भी है, आगे जाके स्केटिंग कर सकते हैं, वीडियो गेम आप लोग खेल सकते हैं, और चाय सुट्टा बार है, बढ़िया यहाँ पर चाय मिलती है, और पहाड़ी स्टोर है देखिए ऊपर, ये भी बढ़िया कपड़े मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, आपको जरूर जाना चाहिए। 3D सिनेमा है, 8D सिनेमा है यहाँ पर, इसमें 12D है, माफ़ कीजिए, तो इसमें भी जा सकते हैं आप लोग। तो बहुत बढ़िया देखिए लाइट की वजह से कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम से बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाऊँ तो नैनीताल की पार्किंग है, काफ़ी खाली आज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। 118 रुपये यहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए आपने देने होते हैं, और 25 रुपये देके आप लोग बाइक भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगी आज काफ़ी बाइकें दिखाई दे रही हैं। और इस तरफ मैं दिखाऊं देखिए यहाँ पर जो है एकदम ताज़ा यहाँ पर पेस्ट्रीज मिलती हैं भाई साहब के पास, तो ये चलते घूमते हुए आपको मिल जाएंगे नैनीताल में कहीं पर भी। तो देखिए कौन कौन सी पेस्ट्रीज हैं पहले बताइए। स्ट्रॉबेरी है सर, और चॉकलेट है। अच्छा स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, और इधर क्रीम रोल है सर। क्रीम रोल है भाई साहब के पास सर, ये देखिए क्रीम रोल बहुत बढ़िया। कितने रुपए का क्रीम रोल? ये सर 15 रुपए का है, देखिए बहुत बढ़िया। और पेस्ट्री कितने की है? सर एक ही रेट है। अच्छा 15 रुपए के। और ये क्रीम, ये पेटीज होंगे सर गरम, एकदम गरम पेटीज है भाई साहब के पास, मैं दिखाता हूँ देखिए।
एकदम गरम गरम पेटीज हैं और बिल्कुल बेकरी से लेकर आते हैं और बड़े अच्छे से ये डब्बे में दोस्तों गरम रहते हैं। तो आप लोग भी आए तो इसका जरूर लाभ उठाएं भाई साहब, 15 रुपए में पेस्ट्री मिल रही है। थैंक यू। इस तरफ आपको दिखाओ तो देखिए दोस्तों ये है नैनीताल गुरुद्वारा, हल्की सी धूप पड़ रही है ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है गुंबद पे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ भोटिया मार्केट में। तो भोटिया मार्केट में आप देखेंगे थोड़ी बहुत चहल पहल दिखाई दे रही है और लोग जो है घूम रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ तो वैसे नहीं है लेकिन अच्छा सा लग रहा है। थोड़ा हल्की हल्की धूप आ रही है, अभी भी बारिश पड़ जाएगी किसी कुछ ही देर में, कुछ पता नहीं है। तो छाता वगैरह तो जरूर लेकर आप लोग आए। ये सामने वाली है भोटिया मार्केट, इधर सामने वाली है तिब्बती मार्केट और ये है चाट पार्क। तो बो भाई मुझे दिख गए हैं, चलिए बो भाई से बात करते हैं। तो बो भाई मुझे मिल गए, हेलो बो भाई कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मौसम तो आप देख ही रहे हैं बहुत बढ़िया सा हो रहा है नैनीताल का, है ना? और कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है, तो क्या खास है आज थोड़ा बताएं आप? आज खास ये है, एक हमारे मित्र हैं और हिमांशु रस्तोगी और हमसे मिलने आए हैं। तो अच्छा, सुबह से हम अपडेट देख रहे हैं, जब जब पहुंच रहे हैं काठगोदाम पहुंचे वहाँ का अपडेट, होटलों में पहुंचे वहाँ का अपडेट। अच्छा, अभी फुली मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो मुझे ख्याल से यही पर ही आप देख सकते हैं। हिमांशु भाई कैसे हैं आप? तो हिमांशु भाई आए हैं, भाभी जी आई हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज हम पहली बार मिल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम बरसों से मिलते हुए आए हैं ना? कोई अनजाना चेहरा नहीं है, कोई अनजाना चेहरा नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, दोनों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से हाँ, लेकिन मुलाकात हो ही गई है ना? मुलाकात तो रोज होती थी, वीडियो से रोज मुलाकात होती है, फेस टू फेस। अच्छा ये बताइए कि नैनीताल आप पहुंचे हैं इस मौसम में, बरसात के मौसम में कैसा लग रहा है पहले दोनों बताइए आप, है ना? और क्या कुछ क्या दिक्कतें हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं? दिक्कत तो कोई नहीं है, नैनीताल अपने आप में बहुत अच्छा है। अच्छा, और ये महसूस करने की चीज है। अच्छा, नैनीताल को आप ऐसे नहीं बता सकते। हाँ हाँ, इसको आपको महसूस करना पड़ेगा। क्या बात है, और जब महसूस करेंगे तभी आप नैनीताल से प्यार कर पाएंगे। अच्छा, ये चीज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो नैनीताल नैनीताल लवर। सही बात है, ये तो है। और ये मौसम तो बहुत बढ़िया है घूमने के लिए, कई बार आना होता है इधर, थोड़ा दो साल में आए हैं। चलिए तो आप आए हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। हाँ क्या कह रहे हैं? इनकी इच्छा तो थी हर साल आने की। अच्छा, हर साल आने की। तो बहुत प्यार करते हैं नैनीताल से ना? तो भाई साहब अब बताइए क्या कह रहे थे आप? ये है कि आना बहुत दिन बाद हुआ आपसे, इच्छा बहुत थी मिलने की। हाँ हाँ, और आप दिल में रहते हैं आप सब, आप वो भाई और जो हमारे और मित्र है। अच्छा, वो सब हमारे दिल में रहते हैं बहुत, आप भी हमारे दिल में रहते हैं बड़ा। इसमें वाकई में बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके एकदम से। और ये बबू भाई के लिए मैं थोड़ा सा। अच्छा, थैंक यू, मुझे गिफ्ट मिला, देखिए यहाँ से ये अभी। क्या बात है यार बबू भाई, मुझे रिसीव हुआ है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु रस्तोगी जी का, जो हमारे दोस्त है। वैसे तो हम ऐसे ही मिले हैं फोन पे, तो हम लोग बात ही करते हैं, रियल में मैं आज मिला हूँ, मुझे बहुत ही खुशी, बहुत ही खुशी, मैं कह नहीं सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भाई मुझे देख के पहचान जाएंगे, तुरंत कोई सरप्राइज भी नहीं दिया करने दिया मुझे। चलिए बड़ा अच्छा सा ये रहा, थैंक यू। तो दोस्तों हिमांशु भाई से मिलके बड़ा ही अच्छा लगा आज। और देखिए ये है सामने तिब्बती मार्केट और इस तरफ है नैनादेवी मंदिर, तो मैं आपको नैनादेवी मंदिर दिखाता हूँ। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जिस तरह से नैनीताल के यहाँ पर गेट में लिखा हुआ है मर्यादित और शालीन कपड़ों में ही मंदिर में प्रवेश करें, उसी तरह से कैची धाम में भी अब बोर्ड लग गया है कि आप लोग जो है थोड़े से मर्यादित कपड़े पहन के मंदिर के अंदर प्रवेश करें। तो ये जानकारी देना आपको जरूरी है कि बहुत दूर से लोग आते हैं और थोड़ा सा अगर इसका ध्यान न रखें तो आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें कैची आने वाले लोग खासतौर पर। तो देखिए ये है सामने मुख्य मंदिर दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अनमोल भाई के पास। तो मैं आ गया अनमोल भाई के पास और हिमांशु भाई भी और भाभी जी भी यहाँ पहुँच गई हैं अनमोल भाई की दुकान में। तो चलिए बात करते हैं। तो अनमोल ये बताइए हिमांशु भाई से आज मिले हो आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं तो थोड़ा नर्वस टाइप हो गया था, पर अनमोल भाई पहचान ही नहीं पाए। अच्छा, नहीं पहचाना है आपको? पहली बार मिले ना। हाँ चलो, और ये अनमोल भाई के लिए मेरी तरफ। अच्छा, अनमोल भाई के लिए भी गिफ्ट आया भैया, क्या बात है यार अनमोल, है ना? तो बड़ा ही अच्छा, कैसा लग रहा है अनमोल आपको गिफ्ट पाके? गिफ्ट पाके तो कुछ नहीं, पर लेकिन कहते मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग ना बहुत टाइम से कनेक्ट थे, है ना, यूट्यूब में, और बहुत हमारी लोग आपस में बात भी होती है। तो हम लोग का ये है दोस्तों की ग्रुप भी है, है ना, फिर व्हाट्सएप में ग्रुप भी है, तो हम लोग कनेक्ट रहते, लेकिन मिले आज हम लोग पहली बार है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो के एंडिंग में हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया रहा आज, हिमांशु भाई से मुलाकात हुई है, बहुत बढ़िया लगा, भाभी जी से मुलाकात हुई, बहुत ही बढ़िया लगा। तो वीडियो को हर बार हम लोग एंड करते हैं दोस्तों, तो बोलते हैं आप लोग बोले प्लीज, कूड़े को कूड़ेदान में डालें, जहाँ तक आपको डस्टबिन ना मिले वहाँ तक आपका कूड़ा आपके पास रखें, ये आपसे रिक्वेस्ट हर वक्त हम कहते हैं। अपने शहर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, ये आपका भी शहर है,
ये हम सबका शेयर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, बड़ा अच्छा संदेश दिया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।